Hello everyone, this is Hina Sharma. I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट. बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है ये आपका एक्सटेंडेड है फ्रॉम सेक्शन 319 टू 338. ठीक है, 319 से 338 तक ये आपका पूरा एक्सटेंशन है. और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है, बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ना सेक्शन जो है आप देखेंगे तो बिल्कुल इरेगुलर वे में दिए हुए हैं. जैसे पहले हर्ट बोल दिया, फिर डेफिनेशन हो गई, लेकिन फिर उसका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट आ गया, फिर पनिशमेंट आ गई, फिर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट आया, फिर पनिशमेंट, फिर हर्ट आया. तो इस तरीके से ये थोड़ा सा याद करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है. और अगर हम देखें तो ये ना एक, अगर जब भी आपका कोई जजमेंट राइटिंग वाला पार्ट आता है तो वहाँ पे ये जो पोर्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अभी अगर हम देखें, अभी एमपी मेंस हुआ है, उसमें भी जो आपसे जजमेंट राइटिंग पूछी गई थी बेसिकली, तो उसमें भी आपके ग्रीवियस हर्ट और हर्ट के प्रोविजन से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन आपको दिया गया था. ठीक है, तो चलिए आज इसको मैंने थोड़ा सा ईजी वे में बनाने की कोशिश की है, आई होप ये आपको समझ आएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं 319 से. देखिए यहाँ पर 319 में सबसे पहले डिफाइन किया गया है हर्ट. अगर हम देखें तो हर्ट के ये प्रोविजंस हैं 319, 321, 323 और 324. ये आपको थोड़ा याद करने में इजी रहेगा. तो अगर हम 319 देखें तो 319 बेसिकली कहता है कि जब भी आप किसी को कॉज करते हो कोई बॉडीली पेन, कोई डिसीज या इन्फर्मिटी, तो हम उसको हर्ट की कैटेगरी में हम उसको डालते हैं और वो हर्ट माना जाता है. तो 319 हर्ट के बारे में सिर्फ इतना बताता है. इसी के साथ साथ 321 अगर हम देखें तो वो कहता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट. अब आप इस पूरे चैप्टर में देखेंगे जहां भी वर्ड वॉलेंटरीली आएगा ना, तो वॉलेंटरी को आपको ये समझना है कि वहां पे इंटेंशन प्लस नॉलेज. ठीक है, अब आपको ये समझ लेना है कि अगर इंटेंशन और नॉलेज है, और इंटेंशन और नॉलेज के साथ अगर हर्ट कमिट किया है या ग्रीवियस हर्ट कमिट किया है, तो वहां पे वो वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा. अगर आप इसकी यही एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ना जब हम ग्रीवियस हर्ट में पढ़ेंगे, कि कभी भी अगर वॉलेंटरी ऐड किया है ना तो मतलब कि वहां पे इंटेंशन और नॉलेज है. ठीक है, अगर मान लीजिए हम देखें इसका पनिशमेंट का प्रोविजन 323, वो कहता है कि अगर सिंपल हर्ट है, बेसिकली सिंपल इंजरी है, तो सिंपल हर्ट के लिए आप इसको लाइबल करेंगे, तो यहाँ पे पनिशमेंट 1 ईयर की दी गई है. ठीक है, और 1000 रुपीज का फाइन. लेकिन इन प्रोविजंस को आप 334 के साथ साथ पढ़ेंगे. ये जो प्रोविजंस हैं इनको आप 334 के साथ साथ पढ़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि 334 कहता है कि अगर हर्ट प्रोवोकेशन पे किया गया है, कि सामने वाले ने आपको प्रोवोक किया था तभी आपने ये सिंपल इंजरी कॉज की है, तो यहाँ पे पनिशमेंट कम हो जाएगी, सिर्फ पनिशमेंट हो जाएगी 1 मंथ की. ठीक है, तो जब भी आप हर्ट का प्रोविजन पढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये 334 के साथ ही पढ़ना है, और वही बात आपकी 324 में भी लिखी गई है. यहाँ कहता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मींस. अगर आपने किसी भी पर्सन को की तो सिंपल इंजरी कॉज है, लेकिन जो आपने मींस यूज किए थे या जो आपने वेपन यूज किया था वो एक तरह से डेडली वेपन था, यानी कि वो ऐसा वेपन था जिससे अगर देखा जाए तो डेथ कॉज की जा सकती है एक पर्सन की, जैसे कि शूटिंग, स्टैबिंग या कोई भी कोरोसिव मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आप एडमिनिस्टर किसी को कर दो, या कोई भी एनिमल के द्वारा अगर कोई इंजरी कॉज की जाए. तो यहाँ पे अगर हम डेंजरस वेपन और डेंजरस मींस की बात करें तो वो ऐसे ही मींस और वेपन्स हो सकते हैं जिससे कि बेसिकली डेथ कॉज हो सकती है किसी की. अब यहीं पे क्वेश्चन रेज होता है कि जो आपसे पूछा गया था बेसिकली, क्या आप लाठी को भी एक डेंजरस वेपन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रेज होता है. लाठी से ब्लो किया गया या मारा गया और एक सिंपल इंजरी हुई, तो क्या उसको आप ग्रीवियस हर्ट में ले आएंगे लाठी को, क्या आप या उसको यहाँ 324 में पनिशमेंट दे सकते हैं अगर सिंपल इंजरी हुई और लाठी से वार किया था, क्या लाठी डेंजरस वेपन में आएगी? तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है. और लाठी की जो है आपकी
वो डेंजरस वेपन में कॉज मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। वो कोई ऐसा वेपन नहीं है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी वजह से किसी पर्सन की डेथ कॉज की जा सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ही हर्ट कॉज हर्ट के साथ साथ ही कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहाँ पे आप हर्ट कॉज कर रहे हो किस लिए, किसी प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो उसके लिए 327 दिया गया है। अगर पॉइजन के द्वारा किसी को पॉइजन के द्वारा हर्ट कॉज करते हो, कोई ऐसी इंजरी कॉज करते हो जो कि सिंपल इन नेचर है बट किससे, बाय यूज ऑफ पॉइजन, तो 328। अब देखिए साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32। आप इसको ऐसे याद करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो आई होप जब आप बार बार रिविजन करेंगे तो इसको समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। अब अगर सब इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन देखें तो वो है आपका ये 330, जो कि बात करता है कि अगर किसी कोई पर्सन हर्ट कॉज करके, वॉलंटरी हर्ट कॉज करके किसी का कन्फेशन रिकॉर्ड करे, तो बेसिकली अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन अक्यूज को टॉर्चर करके और उसे कन्फेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए थेफ्ट में उसने कोई प्रॉपर्टी चुराई थी उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो यहाँ 330 में आप इसको लाइबल कर सकते हैं। यहाँ अगर 332 देखें तो बेसिकली अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोका जाता है तो उसको 332 में लाइबल कर सकते हैं अगर आप हर्ट कॉज करते हो। ये आपके हर्ट के प्रोविजन है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, ठीक है। अब यही अगर हम बात करें एसिड की, अगर एसिड अटैक की जहां तक बात है, 2013 में ये स्पेशल प्रोविजन ऐड कर दिए गए 326A और 326B। अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो बाय एसिड या थ्रो करते हो या अटेम्प्ट करते हो, 326B, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 10 ईयर्स की पनिशमेंट है, मिनिमम, और लाइफ तक भी है, ठीक है। तो और यहाँ मिनिमम 5 ईयर्स की पनिशमेंट है। तो ये 26A और 26B आपका 2013 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, लेकिन इसको समझने से पहले आप ग्रीवियस हर्ट भी समझ सकते हैं। तो ग्रीवियस हर्ट बेसिकली क्या होता है, देखिए इसको मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, इमैस्क्यूलेशन। सबसे पहली बात जो कही गई है कि अगर आप किसी भी पर्सन को ऐसी कोई भी इंजरी कॉज करते हो, इन 8 तरीकों में से अगर कोई भी एक भी इंजरी होती है तो वो ग्रीवियस हर्ट में फॉल करेगी। मैंने देखिए इसको यहाँ ऐसे लिखा, इमैस्क्यूलेशन, किसी को आप इम्पोर्टेंट बना देते हो, नपुंसक जिसे हम बोलते हैं। अगर आई मतलब किसी की, आप कोई ऐसी इंजरी कॉज करते हो जिससे एक आंख से वो अब देख ही नहीं सकता कभी भी, जैसे उसके एक आंख फोड़ दिए या अब वो एक आंख से उसको कभी दिखाई नहीं देगा, कोई भी ऐसी इंजरी उसके साथ की गई है। ईयर, एक कान उसका ऐसी इंजरी कॉज हुई है जिसकी वजह से एक कान से अब वो सुन नहीं सकता। मेंबर या जॉइंट, मेंबर और जॉइंट, आपने किसी भी पर्सन के किसी भी एक मेंबर या जॉइंट, जैसे कि लिगामेंट इंजर्ड कर देना या टेंडन्स इंजर्ड कर देना, जो ये जॉइंट्स होते हैं, या ऐसी कोई भी इंजरी अगर कॉज की गई है तो वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आएगा। उसी के बाद फिर से अगर परमानेंट आप किसी भी मेंबर या जॉइंट को परमानेंट इम्पेयर कर देते हो कि अब वो सही हो ही नहीं सकता, तो ऐसे केस में भी वो ग्रीवियस हर्ट होगा। उसके बाद हेड और फेस, हेड और फेस आपने पूरी तरह से डिसफिगर कर दिया, मतलब हेड जैसा होना चाहिए जैसा उसका पहले था अब वो कभी भी वैसा दोबारा नहीं हो सकता। फेस, फेस को आपने जैसा था, मान लीजिए कि बहुत बार हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को ब्लेड से कट दे दिया या किसी भी एक ऐसी नुकीली जो चीज़ है जिससे आपने कट दिया, तो वो मार्क उसके हमेशा फेस पे रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिसफिगरेशन ऑफ फेस, मतलब जैसा उसका पहले था अब वो वैसा कभी नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद बोन और टूथ, कोई भी हड्डी तोड़ देना या फ्रैक्चर कर देना, डिसलोकेट ही हो जाना या फ्रैक्चर होना, या दांत तोड़ देना, या फिर अगर इनमें से इंजरी किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती है और आपने कोई और इंजरी कॉज कर दी जिसकी वजह से वो पर्सन कम से कम 20 दिन तक परमानेंटली वो आप कह सकते
सकते हैं बेड रिडन हो गया 20 दिन का, अब वो सीवियरली बॉडीली पेन में है, सीवियर बॉडीली पेन उसको है और वो 20 दिन तक जो डेली उसकी जो रूटीन था अब वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, हॉस्पिटलाइज हो गया या उसको 20 दिन का परमानेंट रेस्ट हो गया, 20 से ज़्यादा दिन का हो गया, कम से कम 20 दिन का तो होना ही है, तो वो इंजरी भी आपकी ग्रीवियस हर्ट में ही फॉल करेगी, ठीक है। अब वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वॉलेंट्री, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अब ग्रीवियस हर्ट का प्रोविजन है 20, 19 में हर्ट, 20 में ग्रीवियस हर्ट, फिर 21 में वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और 22 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, फिर वही 23 में पनिशमेंट है वहाँ और यहाँ 25 में पनिशमेंट दी गई है। वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट मतलब किसी को आपने इंटेंशनली या विद नॉलेज ग्रीवियस हर्ट, इनमें से कोई भी एक एक्ट कमिट कर दिया है, फिर पनिशमेंट इसके लिए कहाँ दी है 325 में, ठीक है। इसके बाद ही बात करते हैं वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, जैसे कि आपने यहाँ 324 में पढ़ा हर्ट बाय डेंजरस वेपन, यहाँ 326 में है हर्ट बाय ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, अगर आप बाय यूज ऑफ एनी वेपन जो कि एक डेडली वेपन हो सकता है, जो कि जो पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है, शूटिंग, स्टैबिंग, चाकू से या किसी को गोली मार के या कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करके, जब हमारे पास ये एसिड अटैक के प्रोविजंस नहीं थे ना, तब हम ये सारे जो एसिड अटैक्स थे उनको सबको हम ग्रीवियस हर्ट में ही लायबल करते थे, ठीक है। वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे सब्सटेंस को जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस हो या वो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसकी वजह से हेड या फेस डिसफिगर हो जाए या कोई भी मेंबर या जॉइंट आपका या परमानेंट प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर या जॉइंट या कोई भी आपका ऐसा बॉडी पेन जो कि 20 दिन तक आपको जिसने कि बेड रिडन कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इस ग्रीवियस हर्ट में ही फॉल करती थी। इसी के साथ साथ जो आपने यहाँ पढ़ा कि यहाँ आपको अगर पढ़ना है ग्रीवियस हर्ट को तो सब्जेक्ट 2 पढ़ना है, क्योंकि यहाँ ऑन प्रोवोकेशन अगर आप करोगे तो सज़ा कम हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ भी आपको रेडवे 335 पढ़ना होगा ग्रीवियस हर्ट को, क्यों? क्योंकि यहाँ भी अगर ग्रीवियस हर्ट बाय ऑन प्रोवोकेशन किया गया है तो यहाँ वो आपको सज़ा में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात आती है वही एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी करना या किसी पर्सन को कोई इलीगल एक्ट कमिट करने के लिए उसको बाध्य करना, ठीक है। 329 और एक्सटॉर्ट कन्फेशन, पुलिस ऑफिसर अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है किस लिए उस अक्यूज से कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए या प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए, तो वो 331 में आएगा। और पब्लिक सर्वेंट को अगर आप डेटर करते हो कि वो अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म कर पाए ऑफिशियल ड्यूटी, तो वो 333 में आएगा, ठीक है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो उसमें आपको ये थोड़ा इजीली आप समझ पाएंगे और ये आपको समझने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है ना थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, ऑल्दो अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।